हेलो हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास फाइव टुडे वी विल राइट आंसर विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्सट थ्री थर्ड फ्रॉम चैप्टर फोर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बच्चों आज हम जो थर्ड है आंसर विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का बचा हुआ उसको और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करेंगे

मतलब बहुत तेजी के साथ और उनका जो विवाद है वो बहुत ही लंबा रहा वो जो आपस में जो डिस्कशन कर रहे थे आर्गुमेंट कर रहे थे वो उनका जो डिस्कशन आर्गुमेंट है वो बहुत लंबा था मीन्स वो अपनी बात जो शो कर रहे थे वो बहुत ही स्ट्रांगली शो कर रहे थे क्योंकि उनका खुद का अपना एक्सपीरियंस था दो ईच वॉज पर्शियली इन द राइट मिस यद्यपि उनका जो उन्होंने पोर्शन एलिफेंट का टच किया उसके हिसाब से जो उनकी अपनी ओपिनियन थी वो सही थे यद्यपि हम जानते हैं दो यद्यपि हम क्या जानते हैं कि ऑल वर इन द रोंग सभी गलत थे हाथी कभी भी रोप की तरह स्पीयर की तरह या फिर वॉल की तरह नहीं हो सकता है ओके क्वेश्चन नंबर ए वॉट वॉज द मैटर ऑफ डिस्प्यूट अमंग द मैन ऑफ हिंदुस्तान क्वेश्चन नंबर ए है उसमें पूछ रहा है कि क्या मैटर था जो उन लोगों को आपस में विवाद करने के लिए विवश कर गया सेकेंड है वॉट वॉज ईच मैन फॉर्म अबाउट फॉर्म मिस होता है दृढ़ ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से जितने भी मैन थे मतलब जो भी मैन थे वो अपना एकदम दृढ़ थे एंड सी है डू यू थिंक दैट ईच मैन वॉज करेक्ट इन हिज ओपिनियन एंड ऑब्जर्वेशन क्या आप सोचते हैं कि जितने भी मैन थे उनका अपना जो ओपिनियन था वो सही था जो ऑब्जर्वेशन मींस होता है निरीक्षण जो उन्होंने ऑब्जर्व किया जो देखा क्या वो सही था ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यस आंसर विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स थ्री का देखिए थ्री में क्वेश्चन पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि वॉट वॉज द मैटर ऑफ डिस्प्यूट अमंग द मैन ऑफ द हिंदुस्तान तो आंसर है क्या उनका मतलब क्या मैटर था तो मैटर बस इतना था कि उनका जो ओपिनियन था वो एकदम डिफरेंट था एक दूसरे से इस वजह से वो आपस में लड़ रहे थे तो आप लिखेंगे दे हैड डिफरेंट ओपिनियन फॉर एन एलिफेंट मीन्स दे हैड शॉर्ट में करवा रहे दे हैड डिफरेंट ओपिनियन फॉर एन एलिफेंट उनका जो ओपिनियन था वो एकदम से अलग था एक एलिफेंट के बारे में ठीक है सो आप यू कैन राइट लाइक दिस सो दिस मैटर वॉज डिस्प्यूट एमंग द मैन ऑफ हिंदुस्तान सेकेंड क्वेश्चन वॉट वॉज ईच मैन फॉर्म अबाउट प्रत्येक व्यक्ति जो है किस चीज़ के बारे में एकदम से कन्फर्म था दृढ़ था आंसर एवरी एवरी हैड मीन्स प्रत्येक एवरी हैड देयर ओन ओपिनियन एवरी मैन कर सकते हैं यहाँ आप मैन भी कर सकते हैं यू कैन राइट मैन वर्ड यहां पे आप यूज करें यस एवरी मैन हैड देर ओन ओपिनियन एंड ईच ब्लाइंड मैन वॉज फॉर्म अबाउट देयर बिलीव मीन्स एवरी मैन हैड देयर ओन ओपिनियन कह रहा है कि क्या किस चीज के बारे में वो दृढ़ थे तो एवरी मैन हैड देयर ओन ओपिनियन सबका अपना जो ओपिनियन था वो उनके बारे में वो पूरे एकदम से कंफर्म थे कि नहीं वो सही हैं अपनी जगह पे एंड ईच ब्लाइंड मैन और प्रत्येक व्यक्ति वॉज फर्म दृढ़ था किस लिए अबाउट देयर बिलीव्स वो अपने विश्वास के बारे में पूरी तरीके से दृढ़ थे कि उनका अपना जो ओपिनियन है एक एलिफेंट के बारे में वो सही है वो गलत नहीं है तो इस तरीके से आपका आंसर होगा एवरी मैन हैड देयर ओन ओपिनियन एंड ईच ब्लाइंड मैन वॉज़ फॉर्म अबाउट देयर बिलीव मीन प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना जो विचार था उसके प्रति प्रत्येक ब्लाइंड मैन जो थे वो क्या थे कि वो एकदम से फॉर्म थे अपने विश्वास के प्रति ठीक है अब चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर सी सी देखते हैं question number C में पूछ रहा है कि डू यू थिंक दैट ईच मैन वॉज करेक्ट इन हिज ओपिनियन ऑब्जर्वेशन आप क्या सोचते हैं या आपके हिसाब से है यू कैन राइट दिस आंसर विद योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू मई मी नो देअर ओपिनियन एंड ऑब्जर्वेशन वर रॉन्ग मेरे हिसाब से उनका एक ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन रॉन्ग था बिकॉज एलिफेंट डू नॉट लुक लाइक्स जो एलिफेंट्स होते हैं वो इस तरीके से नहीं दिखते हैं अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन ठीक है आप यहाँ पर अपना आंसर लिख सकते हैं चलिए मूव करते हैं लेट्स मूव अबाउट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन Yes. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन वी आर डिड द फर्स्ट मैन फॉल क्वेश्चन नंबर वन है उसे पूछ रहे कि वी आर डिड द फर्स्ट मैन फॉल पहला जो व्यक्ति था वो कहाँ गिरा वॉट डिड ही थिंक द एलीफेंट वॉज लाइक वॉट डिड ही थिंक वह क्या सोचता है कि एलिफेंट कैसा दिखता है क्वेश्चन नंबर टू वाई डिड द थर्ड मैन थिंक दैट द एलिफेंट वॉज लाइक अ स्नेक जो तीसरा ब्लाइंड मैन था वो ऐसा क्यों सोच रहा था कि जो एलिफेंट है वो स्नेक की तरह दिखता है एंड थर्ड क्वेश्चन वॉट डिड द फिफ्थ मैन डू फिफ्थ जो पांचवा ब्लाइंड मैन था उसने क्या किया वॉट बिकेम क्लियर टू हिम और उसके लिए क्या क्लियर अंत में हो गया एंड लास्ट है वॉट डिड द सिक्स मैन गेट होल्ड ऑफ जो सिक्स ब्लाइंड मैन था उसको अंत में क्या मिला क्या उसने पकड़ा वॉट डिड ही थिंक एलिफेंट वॉज लाइक एंड वाई वह क्या सोचता है कि एलिफेंट जो है वह किसकी तरह दिखता है और ऐसा क्यों तो so चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन वी डिड द फर्स्ट ब्लाइंड मैन फॉल वॉट डिड ही थिंक द एलीफेंट वॉज लाइक यस आंसर द फर्स्ट यहां करें फर्स्ट मैन फैल अगेंस्ट द ब्रॉड एंड स्टडी साइड ऑफ एलिफेंट्स बॉडी जो फर्स्ट मैन था क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कहाँ गिरा तो हमें आंसर बताना है कि जो फर्स्ट ब्लाइंड मैन था वो गिरा कहा अपोजिट जो एलिफेंट का चौड़ा और मजबूत हिस्सा होता है मतलब जो उसका पेट वाला हिस्सा होता है वहां पर गिरा ही थॉट तब उसने सोचा द एलिफेंट वॉज लाइक अ वॉल तो उसने सोचा कि एलिफेंट जो है वो कैसा है वॉल की तरह है दीवार की तरह है ठीक है द फर्स्ट मैन फेल अगेंस्ट द ब्रॉड एंड स्टडी साइड ऑफ एलिफेंट्स एलिफेंट्स में एस बॉडी फुलस्टॉप ही थॉट दैट द एलिफेंट वॉज लाइक अ वॉल ओके सेकेंड क्वेश्चन मैं पूछ रहा है कि वाई डिड द थर्ड मैन थिंक दैट द एलिफेंट वॉज लाइक अ स्नेक थर्ड मैन में जो है वो उसने जो है एलिफेंट के बारे में ऐसा क्यों सोचा कि एलिफेंट जो है वो स्नेक की तरह दिखता है आंसर बिकॉज करी बिकॉज ही टच ही टच द स्क्मी ट्रंक विद इन हिज हैंड क्योंकि उसने जो है उसके जो ट्रंक उसकी जो सूढ़ थी उसको अपने हाथों में पकड़ लिया था और इस वजह से सो ही थाट दैट एलिफेंट वॉज लुक लाइक अ स्नेक और इस तरीके से वह सोचता है कि एलिफेंट जो है कैसे दिखता है वह एक स्नेक की तरह दिखता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट डिड द फिफ्थ मैन डू फिफ्थ मैन ने क्या किया वॉट बिकेम क्लियर टू हिम और लास्ट में उसके लिए क्या क्लियर हो गया आंसर द फिफ्थ मैन टच द ईयर ऑफ द एलिफेंट उसने क्या किया था जो फिफ्थ मैन ने उसने एलिफेंट के ईयर को टच किया एंड इट बिकेम क्लियर टू हिम और यह उसके लिए क्लियर हो गया क्या दैट द एलिफेंट वॉज लाइक अ फैन एलिफेंट कैसा है एलिफेंट जो है वो एक फैन की तरह दिखता है फैन की तरह है जैसे पंखा होता है चौड़ा क्योंकि उसने उसके कान को टच किया था ठीक है चलिए लेट्स मूव अबाउट क्वेश्चन नंबर फोर वट डिड दिक्स मैन गेट होल्ड सिक्स जो ब्लाइंड मैन था उसने क्या होल्ड किया वॉट डिड ही थिंक उसने वह क्या सोचा उसने द एलिफेंट वॉज लाइक कैसा एलिफेंट दिखता है एंड वाई आंसर थोड़ा सा बड़ा है लिखिए इसको द सिक्स मैन गेट होल्डेड ऑफ एलिफेंट टेल सिक्स ब्लाइंड मैन ने क्या टच किया उसने एलिफेंट्स के टेल को टच किया एंड ही फाउंड और उसने पाया क्या पाया दैट द एलिफेंट वॉज लाइक अ रोप उसने ये पाया कि जो एलिफेंट है वो एक रस्सी की तरह दिखता है ठीक है आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा टुडे टुडे वी हैव सॉल्व आंसर विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम चैप्टर फोर थर्ड नंबर एंड